अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रज़ा मोहम्मद अलफरदान, आप सभी का स्वागत है रज़ल फरदान व्लॉग्स में। तो भाई पहले चीज़ तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, मैं 9 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूं। तो भाई आज की वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ उन लोग के लिए जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं और उन लोग के लिए जो सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं इंडिया से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सऊदी अरेबिया के रिलेटेड न्यूज़ मिल सके। तो भाई पहली न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया में सऊदी हुकूमत की जानिब से बहुत ही तगड़ी पुलिस की चेकिंग हो रही है उन लोग के लिए जिसके पास अखामा नहीं है या फिर जिसका अखामा ख़त्म हो गया है या फिर वो लोग हुरूब में हैं। उन लोग को पुलिस अभी पकड़ रही है और उन सभी को वापस अपने देश या वतन वापस भेज रहे हैं। तो लिहाजा जिसका भी अखामा एक्सपायर है और जो लोग हुरूब में हैं उनको जाने की दिक्कत हो रही है, एम्बेसी से भी उनका भी काम नहीं हो रहा। तो अगर आपको अगर पुलिस पकड़ ली तो आप घबराओ मत, इंशाल्लाह आपको उन लोग कार्रवाई करके जल्द से जल्द आपके वतन भेज देंगे। ये पूरे सऊदी अरेबिया में हो रहा है, मैं अपने आँखों से खुद देखा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं दम्मा में रहता हूँ, तो मेरे आँखों के सामने ही सीको पे और सुबेखा में जुबेन में जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है, अजनबी लोग ज़्यादा होते हैं और मॉल्स में हयात मॉल्स में ऐसा वो लोग जा रहे तफ्तीश कर रहे हैं और जिनका भी अखामा एक्सपायर है या फिर हुरूब में है उन लोग को पकड़ रहे लेके जाके डिपोटेशन यानी कि तरहील में बिठा रहे और उनकी कार्रवाई शुरू कर रहे। और दूसरी चीज़ जो लोग भी मास्क नहीं पहनेंगे अभी के टाइम पे उन लोग के ऊपर भी कार्रवाई बहुत ही तगड़ी हो रही है। तो भाई आप जब भी जा रहे हैं मार्केट प्लेस में तो आप अपना मास्क ज़रूर लगा लीजिए ताकि आपको पुलिस ना पकड़े। تغطي الأنف والفم ما هي مشكلة الآن أنت في مكان عام المفترض أنك ترتدي الكمام بالطريقة الصحيحة تحمي نفسك وتحمي الآخرين ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة مخالف لذوق العام وتدخل المكان هذا لو أنت لابس الكمام نسيت وربك نسيت. और दूसरी खबर ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोग के लिए जो इंडिया में रहते हैं सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं। तो भाई जैसे कि आप सभी को अभी पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट अभी इंडिया टू सऊदी अरेबिया ओपन नहीं हुए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि ये साल में ओपन होंगे। और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है सऊदी अरेबिया आने के लिए तो उन लोग के लिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारे जो पैसेंजर्स है इंडिया से दुबई गए हैं, वहाँ पर 16 दिन रह के सऊदी अरेबिया आ चुके और उन लोग अपना जॉब शुरू भी कर चुके और एक दो तीन ग्रुप हमारा ऑलरेडी दुबई में पहुँच चुका है, वहाँ पर रह रहे हैं। तो अभी इसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो भाई हम लोग जो प्राइजेस लगा रहे हैं 85 से 90,000 इंडियन रुपीज़ में, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई दूसरे ट्रैवल एजेंसी वाले 80 में कर रहे हैं 75 में कर रहे हैं, बेशक कर रहे होंगे भाई। हम लोग का होटल जो है एक स्टैंडर्ड होटल्स है, 4-स्टार होटल्स है। तो और हम लोग को विद ब्रेकफास्ट के साथ साथ हम लोगों को लंच और डिनर भी दे रहे हैं। तो जहाँ से भी आप लोग काम करवा रहे हैं तो लोग से अच्छे से मालूम कर लीजिए पैकेज में क्या क्या है। तो हमारे पैकेज में जो जो आता है वो मैं आपको एक तफसीली से बोलूँगा। हम लोग जो 85-90,000 रुपीज़ जो कर रहे हैं उसमें आपको पहली चीज़ इंडिया में जब आप रहेंगे वहाँ से आपको दुबई का वीज़ा लगेगा, दुबई का टूरिज़्म फीस लगेगा और दुबई का जो इंश्योरेंस है वो लगा के हम लोग देंगे और कोरोना का टेस्ट इंडिया में हम ही करेंगे और इंडिया से दुबई की फ़्लाइट टिकट भी हम ही करेंगे। जब आप दुबई पहुंच जाएंगे वहां पर हमारी गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आपको हमारे होटल में लेके जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह होटल की लोकेशंस इतने अच्छे प्यारे हैं और होटल इतनी प्यारी है यानी साफ़ सुथरी है। बहुत सारे लोग हमें वीडियोस लेके भेजे कि भाई बहुत ही अच्छी होटल है, मैं आगे वीडियो में डालूँगा। तो होटल में हमारी गाड़ी आके आपको होटल लेके जाएगी, तो आपको 2 दिन होटल में रहना होगा, उसके बाद आप 14 दिन बाहर फिर सकते हैं, कहीं पर भी फिर सकते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस में है भाई। आपको अगर आप बाहर निकल गए कहीं भी खर्चा करें तो आपको देना होगा। होटल 16 दिन की होटल रहेगी और उसमें नाश्ता लंच और डिनर हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और 14 डे यानी 14 दिन हम लोग आपको हमारी गाड़ी में लेके जाके कोरोना का टेस्ट कराते फिर से, यानी कि 2 कोरोना का टेस्ट है इंडिया में एंड दुबई में। तो फिर वहाँ से कोरोना के टेस्ट के बाद आपको फिर से हम सऊदी अरेबिया के लिए टिकट देंगे, चाहे आप रियाद में हो या जिद्दा में हो या फिर दम्मा में हो। तो ये चीज़ है पैकेज में इंक्लूड है।
बहुत सारे लोग कम में दे रहे हैं बट होटल्स उतने ख़ास नहीं है। मेरे को कंप्लेंट भी आई कि भाई होटल उतने ख़ास नहीं है, एक एक रूम में तीन तीन चार चार जनों को रख रहे हैं। तो हमारे होटल्स में जो है एक रूम में हम दो लोग को रख रहे हैं बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल्स तकरीबन दीरा में होते हैं, ठीक है। और दीरा एक ऐसी प्लेस है कि यानी प्राइम लोकेशन है, यानी पॉश इलाका है दुबई का। यहाँ पर आसपास में पूरे मॉल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर हम आपको होटल्स दे रहे हैं। तो हम एक हमारी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं। देखो भाई, सस्ते का माल आप लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ कमी निकलेगी, तो उससे अच्छा है 5-10 हज़ार ज़्यादा दो, अच्छे से रहो। और बहुत सारे लोग की भी कंप्लेंट आई है और हमारे साथ भी खुद एक बार हो चुका है कि जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट वाले हैं उन लोग को थोड़े एयरपोर्ट से यानी कि दिल्ली से या फिर लखनऊ से अलाउ नहीं करे वो, इसलिए कि जब भी आप वीज़ा बनाते हैं तो वो बंदे को ओके टू बोर्ड करना होता है। तो पहले तो ऐसा नहीं था कि अभी के टाइम पे वो लोग चेंज करे, तो एक पैसेंजर्स के साथ हमारे ऐसा हो चुका था तो हम उसे हैदराबाद से भेजे। तो अभी जो लोग दिल्ली मुंबई हैदराबाद या फिर लखनऊ से जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम उनको भी वहां से अरेंज करा के दे रहे हैं कि आप लोग को, आप लोग देखो आप लोग का काम कुछ भी नहीं है, आप घर बैठे बैठे हम आपका काम कर रहे हैं। तो आपका भी काम है कि हम जो जो डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो अच्छे से आप लोग रख लीजिए। जो लोग भी आना चाह रहे हैं उन लोग को मैं बोल दूँ कि आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में हमेशा के लिए रखें। पहली चीज़, आपका जो पासपोर्ट है फ्रंट एंड बैक साइड का स्कैनिंग करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए या फिर ईमेल में रख लीजिए यानी कि जीमेल में। और आपका पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है ना वो भी स्कैनिंग करके रख लीजिए, फ़ोटो खींच के मत रखिए। आप सभी को बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं। कंप्यूटर की दुकान में जाइए, नेट की दुकान में जाइए, उनको बोलिए कि हमारा पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक साइड एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैनिंग करके हमें दीजिए, यानी कि आपके ईमेल पे भी भेज सकते हैं, ताकि आप वो कहीं का भी वीज़ा रहें। दो एग्जांपल के तौर पे अभी दुबई जा रहे हैं, दुबई के वीज़ा के लिए आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं उसका फ़ोटो खींच के नहीं भेजना होगा, आपको स्कैनिंग भेजना होगा। तो भाई ये चीज़ का ख्याल रखिए। ये है आज की अपडेट, होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो हमारे ग्रुप जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये 21 तारीख को भी ग्रुप है मुंबई से हैदराबाद से। हम अलग अलग हमारे जो ऑफिसर्स हैं मुंबई और हैदराबाद में वहाँ से हम काम करवाते हैं पूरा, और बहुत ही ज़िम्मेदारी से काम करते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। जो लोग हमारे से आ चुके हैं उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम 24/7 उनकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग रात रात को कॉल कर रहे हैं, भाई थोड़ा अवॉइड कर दीजिए, पहले भी बोल चुका हूँ मैं। तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमो या फिर आप लोग फेसबुक पे है मेरे, तो यहाँ पर मेरी आईडी आएगी। आप लोग ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, और टिकटॉक पे भी मैं आजकल इंफॉर्मेशन वीडियोस डाल रहा हूँ। सब मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स यहाँ पर मेरी वीडियो में मेंशन कर दूंगा और मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगा। इंशाल्लाह अगर आप लोग को आना है तो आप लोग आ सकते हैं। आगे में हमारे होटल्स जो दिए थे पैसेंजर्स को उन लोग हमें शूट करके भेजे, तो आपको हम वो दिखाते हैं। तो एंड तक देखना वीडियो, और हम लोग कौन सी होटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लीजिए ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए। तो चलिए इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम। हेलो, सलाम अलैकुम। हाँ, हम लोग राजा भाई से काम करवाए थे वीज़ा का। हम लोग दुबई एयरपोर्ट के बाहर अभी निकल गए हैं, ये दुबई का एयरपोर्ट है, अभी हम लोग सऊदी अरब जाएंगे। ये कौसर भाई है, मुजीद भाई है, मैं हैदर अली हूँ, हम लोग बिहार से हैं, कलकत्ता। राजा भाई देखो ये तुम्हारे वास्ते बना रहा है। हाँ राजा भाई, ये देखो ये दिया, टीवी है, पानी है, चाय है, सोफा है, सब कुछ है, लाइटिंग है, डबल डबल सीट है, अच्छा है, अच्छा रूम दिया है। 3 स्टार बोले तो 3 स्टार है। तो ये बाथरूम वगैरह देखो, वाईफाई भी है ये बाथरूम में,